मेरी जिद था आसान, मोहब्बत तो बन नहीं सका। नहीं नहीं ऐसी बात मत करना, तुम तो डैडी की जान हो, बल्कि अब तो तुमसे मुझे और भी ज्यादा प्यार हो। डैड, मेरे लिए बहुत मुश्किल है एक ऐसी जगह रहना जहां मेरी कोई जगह ही नहीं। हर जगह मैंने खुद को पहले नंबर पर देखा, अपने से नीचे लोगों को अपनी उतरन दी, और आज खुद किसी की उतरन बन गई हूं। डैड, ऐसे नहीं सोचते बेटा, तुम नहीं हो किसी की उतरन। नहीं डैड, लेकिन आज उसकी मोहब्बत ने मुझे दूसरे नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया। अरे अरे अरे, रोते नहीं है बच्चा? खुद को साल में खुश रखते हैं, ठीक है? क्या मेरा बच्चा बाप के बगैर पलेगा? मुझे उससे मिलना है। कैसी हो? तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? शायद हाँ, इसीलिए आया हूं यहां। नहीं अजान, तुम्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे लिए सब कुछ वो दुआ थी, और मैं तुम्हारी जिंदगी में मेरी कभी कोई अहमियत ही नहीं थी, क्योंकि जिसकी अहमियत थी वो तो आ गई, चली गई है वो रोमाना हमेशा के लिए, कभी भी वापस ना आने के लिए। एक और झूठ, कितने झूठ बोलेंगे आप लोग? ये झूठ नहीं है रोमाना। तो ये भी तो सच है ना कि आप चाहे जितनी दफा दुआ को अजान की जिंदगी से निकाल दें, वो अजान के दिल में हमेशा मौजूद रहेगी। रोमाना, वो दिल से भी दूर हो गई अजान के। धोखा दिया है उसने अजान को। बताओ अजान कि अब तुम्हारा दुआ और उसके बच्चे से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे घर में कोई भी अब दुआ का नाम नहीं लेगा। बेहतर होगा कि आप लोग भी भूल जाएं उसे। और मैं, मेरा क्या, मेरे बच्चे का क्या? चलो रो, हमारे बच्चे के लिए। रोमाना, अजान सही कह रहा है, तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। मैं हमेशा चाहती थी कि मेरी नस्ल की परवरिश एक क्लासी और एजुकेटेड माँ करे, और तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। अब घर चलो, देखना मैं तुम्हारे लिए कितनी बड़ी पार्टी करूंगी। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।